हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हिमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी से स्वागत। दोस्तों, एक बार फिर हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्व लेके आ गए हैं। और ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, तो सारे डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जो भी एग्ज़ाम देने जाए, आपका लैब टेक्नीशियन हो, लैब असिस्टेंट हो, लैब सुपरिटेंडेंट हो, या LTS का STLS का हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। और सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। और डिटेल्स में इस क्वेश्चन की जानकारी लेंगे हम लोग, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि न्यू व्यूअर है तो आप हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड है होगा तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कोई भी स्टेट का हो, लैब टेक्निशियन के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप लोगों से हम यही एक चीज़ बोलेंगे कि हमारा जितना भी क्वेश्चन पेपर का सोल्व है, सभी का सभी आप लोग देखिए। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन पेपर अलग नहीं होता है कहीं पर भी, ठीक है। चाहे किसी भी का स्टेट हो, जो सिलेबस है सिलेबस के अंतर्गत ही पूछा जाता है, ठीक है। और सिलेबस के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, तो आप यदि सारा का सारा PDF क्वेश्चन पेपर यदि चेक करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होता है बार बार। और उतना ही जितना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उतना ही से क्वेश्चन आता है, उसी को क्या किया जाता है कि उसी को जो है क्वेश्चन का जो है सिस्टम चेंज कर दिया है, तो क्वेश्चन वही रहता है बट पूछने का तरीका अलग रहता है और उसी को बार बार रिपीट करते हैं। तो देखिए इसमें भी कि पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए इसमें से कितना ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें रिपीट हुआ है, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो तो दिखाते हैं कहाँ का है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका MP NHM का है, ठीक है। कहाँ का है? MP NHM में ये पूछा गया था, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था किसका, STLS एंड लैब टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन पेपर था। ये एग्ज़ाम जो हुआ था 2019 में हुआ था, और 2/11/2019 में हुआ था। टाइम एंड वेन्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टोटल मार्क्स था आपका 100 और 120 मिनट्स का एग्ज़ाम था, ठीक है। सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं अब कि क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन पेपर क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आज हम 50 तक करवाने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आज का जो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंटेनिंग अ डीकैल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग, बोला गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग डीकैल्सिफाइंग एजेंट, इसमें से कौन सा है? तो गुडिंग एंड स्वीटहर्ट, ठीक है, स्टीवर्ट, ठीक है। दूसरा क्या है? जेंकिंस फ्लूइड। तीसरा क्या है? पर्नेस फ्लूइड। और चौथा क्या है? आपका जेंकर्स फ्लूइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेंकिंस फ्लूइड, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, HCl जो है रहता है। तो जेंकिंस फ्लूइड ऐसा है जिसमें क्या होता है, आपका HCl भी रहता है, ठीक है। तो यदि आपको बता दें कि जेंकिंस फ्लूइड का कंपोजिशन क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका होता है, या शॉर्ट में याद रखिएगा, AD, ठीक है, CG और H, ठीक है। तो A माने क्या हो गया आपका, एब्सोल्यूट एल्कोहल। इसके बाद है D माने क्या हो, डिस्टिल वाटर। C माने क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। जी माने हो गया ग्लेसियल एसिटिक एसिड, और नीचे में जो एच दिया हुआ है, एच माने हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये सारा का सारा चीज़ क्या करता है, जेंकिंस फ्लूइड में रहता है। कौन कौन सा रहता है? एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल, डिस्टिल वाटर, क्लोरोफॉर्म, ग्लेसियल एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सभी की सभी चीज़ें क्या किस में रहता है, जेंकिंस फ्लूइड में। इसके बाद जो दिया है सबसे ऊपर में गुड्स एंड स्टीवर्ट, ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, डीकैल्सिफाइंग एजेंट है, जिसमें कंपोजिशन क्या क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मालिन और डिस्टिल वाटर रहता है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, जेंकर्स फ्लूइड और पर्नेस फ्लूइड, ये दोनों क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेंकर्स फ्लूइड आप लोग जानते हैं क्या है, ठीक है। तो और क्या है, पर्नेस फ्लूइड, दोनों के बारे में आप जानते हैं। पर्नेस फ्लूइड क्या है, ये भी एक तरह का डीकैल्सिफाइंग एजेंट है, क्या है,
डीकैल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। और इसके बाद जो है जंकर्स फ्लूइड के बारे में, जो है जंकर्स फ्लूइड क्या है, तो आप लोग जानते हैं यह एक फिक्सेटिव एजेंट है। क्या है जंकर्स फ्लूइड? फिक्सेटिव एजेंट है जिसका कंपोजिशन क्या होता है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है और डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है। और जब हम लोग इसको यूज करने जाते हैं उससे ठीक पहले इसमें क्या क्या आता है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा फिक्सेटिव एजेंट है जिसको हम यूज करने से ठीक पहले उसमें जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज करते हैं, तो याद रखिए वो होता है जंकर्स फ्लू, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका यदि डीकैल्सिफाइंग एजेंट के बारे में बात करें, तो इसके अलावा डीकैल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन सा होता है याद रखिएगा आप लोग, एक होता है नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक अलग होता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है, गुडिंग अनसैचुरेटेड तो हो ही गया, ठीक है। एक और आता है आपका साइट्रेट, साइट्रिक एसिड बफर, ये भी एक तरह का क्या है डीकैल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है। जेंकिंस तो इसमें था ही ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद भी और भी होता है डीकैल्सिफाइंग करने का जो है तरीका, एक और अलग मेथड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिंग मेथड, के द्वारा हम लोग क्या करते हैं डीकैल्सिफाइंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं किस मेथड के द्वारा, तो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड के द्वारा भी क्या करते हैं डीकैल्सिफाइंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड के द्वारा जब हम लोग डीकैल्सिफाइंग करते हैं तो उसमें क्या यूज होता है याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं कैल्शियम आयन जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग माने उसको डीकैल्सिफाइंग कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 8% HCl यूज करते हैं, ठीक है, या और इस ये और क्या करते हैं 10% जो है हम लोग इसमें फॉर्मिक एसिड यूज करते हैं, क्या करते हैं 10% फॉर्मिक एसिड यूज करते हैं किस में, तो इसमें क्या कौन कौन सा यूज करते हैं, क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड से जब हम लोग डीकैल्सिफाई करते हैं तो उसमें क्या क्या यूज होता है, तो याद रखिएगा 8% HCl और 10% जो होता है आपका फॉर्मिक एसिड यूज होता है, ठीक है। ये मेथड जो है थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए इस मेथड को हम लोग लैब में जो है कॉमन मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। डीकैल्सिफाइंग के लिए मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या करते हैं फॉर्मिक एसिड या नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है, लैब में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड क्या होता है बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। इसके बाद और कौन सा मेथड से हम लोग डीकैल्सिफाई करते हैं, तो याद रखिए चिलेटिंग एजेंट के थ्रू, किसके चिलेटिंग एजेंट से, किसे करते हैं चिलेटिंग एजेंट से। तो इस चिलेटिंग एजेंट से जब हम लोग डीकैल्सिफाई करते हैं तो इसमें क्या यूज करते हैं, तो याद रखिए 5% EDTA सोल्यूशन यूज करते हैं, क्या करते हैं आप जानते हैं कि EDTA जो है क्या है आपका चिलेटिंग एजेंट है, तो इसमें क्या होता है आपका 5% EDTA सोल्यूशन यूज करते हैं किसके लिए, तो डीकैल्सिफाई करने के लिए। इसमें क्या होता है बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को नहीं यूज करते, क्योंकि इस प्रोसेस से चिलेटिंग एजेंट के थ्रू यदि हम लोग डीकैल्सिफाई करेंगे तो 4 से 5 दिन लग जाता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है, इसीलिए हम लोग इससे नहीं करते हैं। और भी एक मेथड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं डीकैल्सिफाई करते हैं, तो वो मेथड क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन मेथड कहलाता है, वो क्या कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन मेथड कहलाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 5% सोडियम सल्फेट सोल्यूशन जो है यूज करते हैं, और इसके लिए जो है हम लोगों का ओवरनाइट लग जाता है, माने 12 से 14 घंटा लगता है इस मेथड के द्वारा करने में, ठीक है। इतना सारा मेथड है, ठीक है, आपको डीकैल्सिफाई करने के लिए, और ये सब चीज़ें जो है यूज होता है डीकैल्सिफाई करने के लिए। तो सारा जानकारी मिल गई आपको डीकैल्सिफाइंग एजेंट के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है देखिए इसमें हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन को यहाँ पे हिंदी में पूछा गया है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देख लीजिए क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मर्क्यूरी क्लोराइड कंटेनिंग अ फिक्सेटिव, इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा फिक्सेटिव है जो क्या है मर्क्यूरी क्लोराइड कंटेन करता है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था जंकर्स फ्लूइड के बारे में, जंकर्स फ्लूइड भी क्या करता है मर्क्यूरी क्लोराइड कंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है हेलिस फ्लूइड,
इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, एक तो दिया हेलिस फ्लूइड, एक है फॉर्मालिन, एक है 95% इथाइल एल्कोहल, और चार नंबर में क्या दिया है, पैराफिन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या है, हेलिस फ्लूइड बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर हेलिस फ्लूइड ही होगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, जंकर्स फ्लूइड, जिसमें क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड होता है। ठीक है, याद करने का तरीका क्या था उसका, एम पी एच डी, क्या था, एम पी एच डी, एम माने मर्क्यूरी क्लोराइड, पी माने पोटेशियम डाइक्रोमेट, एस माने सोडियम सल्फेट, डी माने डिस्टिल वाटर। ठीक है, ये किसका था, जंकर्स फ्लूइड का था। ठीक है, अब आया है हेलिस फ्लूइड। हेलिस फ्लूइड क्या है, ऐसा फिक्सेटिव एजेंट है जो क्या करता है, मर्क्यूरी क्लोराइड जो है कंटेन करता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि हेलिस फ्लूइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, जंकर्स फॉर्मल के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हेलिस फ्लूइड को और दूसरा नाम कौन सा नाम से जानते हैं, तो याद रखिए जंकर्स फॉर्मल के नाम से जानते हैं, क्या, जंकर्स फॉर्मल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, तो जंकर्स फॉर्मल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मल क्यों दिया गया है, ठीक है, क्यों दिया गया है, क्योंकि इसको यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हेलिस फ्लूइड जब भी यूज करते हैं तो जस्ट यूज करने से पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, फॉर्मालिन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, फॉर्मालिन मिलाते हैं। जैसे वहाँ पर जंकर्स फ्लूइड में क्या कर रहे थे हम लोग, जंकर्स फ्लूइड में क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे, उसमें ग्लाइसिल एसिटिक एसिड मिला रहे थे। क्या कर रहे थे, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड मिला रहे थे। ठीक है, तो बस डिफरेंस क्या है, जंकर्स फ्लूइड में जो पहले मैं बताया था, और हेलिस फ्लूइड जिसको हम लोग बोलते हैं जंकर्स फॉर्मल, देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस एक ही है, हम लोग इसको यूज करने से पहले फॉर्मलिन मिलाते हैं, वहाँ पे क्या मिलाते थे, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड। इसलिए ये दोनों को याद करने में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एम पी एच डी याद रखिएगा, एम पी एच डी दैट मीन्स दोनों के लिए, जंकर्स फ्लूइड और जंकर्स फॉर्मल या हेलिस फ्लूइड के लिए दोनों का कंपोजिशन सेम है, बट एक ही कंडीशन है कि जंकर्स फ्लूइड को जो है हम लोग यूज करने से ठीक पहले ग्लाइसिल एसिटिक एसिड यूज करते थे, उसमें ऐड करते थे, बट यहाँ पर जो है जंकर्स फॉर्मल जिसको बोलते हैं हेलिस फ्लूइड, उसमें क्या करते हैं हम लोग यूज करने से पहले फॉर्मालिन यूज करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, फॉर्मालिन यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है जंकर्स फॉर्मल या हेलिस फ्लूइड। ठीक है, इसके साथ साथ जो है और कौन कौन सा फिक्सेटिव है, तो आप याद रखिए फिक्सेटिव तो बहुत सारा है। ठीक है, तो नाम जस्ट बता देता हूँ, एक तो जंकर्स फ्लूइड इससे पहले बताए थे, और जंकर्स फॉर्मल आपको पता ही चल गया जिसको हेलिस फ्लूइड बोलते हैं। इसके बाद हेडन सुसा है, बफर फॉर्मल सुक्रोज है, बुइंस फ्लूइड है, और बुइंस फ्लूइड में का कंपोजिशन क्या है, तो याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुइंस फ्लूइड, बहुत ही बार पूछा गया है, क्यों, इसमें एक ही चीज़ के लिए ये नामी है जो जिसके कारण पूछा जाता है बार बार, वो होता है आपका इसमें पिक्रिक एसिड जो है इसमें कॉन्टेन करता है। क्या करता है, पिक्रिक एसिड रहता है। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन बता दूँ कि पिक्रिक एसिड फॉर्मालिन और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड होता है किसका, तो बुइंस फ्लूइड का कंपोजिशन। ठीक है, पिक्रिक एसिड जो है आपका जो है उसको जो है रिमूव करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिक्रिक एसिड जो है हम लोग एल्कोहल के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है वहाँ उसमें जो पीलापन आ जाता है, किसके चलते तो पिक्रिक एसिड के चलते टिश्यू का जो पीलापन आ जाता है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, और भी एक है आपका जिसको है गेंडर्स फ्लूइड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बुइंस फ्लूइड के भी नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा जो है फिक्सेटिव, जैसे क्रोमिक एसिड हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है, ये भी अलग अलग है, एसीटोन हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है आपका फिक्सेटिव एजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, इनमें से ऐसा कौन सा एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, क्रॉस करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, IgM, 2 में क्या दिया, IgG, और 3 में क्या दिया, IgA, और 4 में क्या दिया, IgE दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और यहाँ से और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा हिंट्स देके बताते हैं, क्योंकि इससे पहले यदि हम बार बार बोलते, यदि आप हमारा
क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सारा चीज़ देखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है क्या है, ये IGM इसमें सब जो इसी में जो दिया है उसी में चलते हैं। IGM क्या है, हमारे शरीर में जो IGM होता है कितना परसेंट होता है, तो याद रखिए 13% होता है। कितना होता है, 13% होता है। IgG कितना परसेंट होता है, ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होता है, 80% होता है हमारे शरीर में। कितना परसेंट, तो 80% होता है। इसके बाद क्या है IgA हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है, तो याद रखिएगा आप लोग कि IgA होता है हमारे शरीर में ओनली फॉर 6% होता है। और IgE हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है, तो 0.002% होता है। इसके बाद और एक कौन सा बच गया, कौन बच गया, IgD बच गया। ये हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है, तो याद रखिए मात्र 1% हमारे शरीर में होता है। ठीक है, अब बारी आती है कि IgM का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका जो मोलिकुलर वेट होता है 145 से लेकर के 160 KDa यूनिट होता है। कितना होता है, 145 से 165 KDa यूनिट होता है। दैट मीन्स 145,000 से लेकर के 160,000 बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसका इसका होता है IgM का नहीं होता है, IgM का सबसे ज़्यादा होता है। IgM का कितना होता है, 9 लाख होता है। कितना होता है, 9 लाख होता है इसका मोलिकुलर वेट। ठीक है, या तो 900 KDa यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, IgG का कितना होता है, 145 से 160 KDa यूनिट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपन IgA में, तो IgA का कितना होता है, 160 से लेकर के 450 KDa यूनिट होता है। और IgE का कितना होता है आपका मोलिकुलर वेट, IgE का जो मोलिकुलर वेट होता है आपका 187 से लेकर के 200 KDa यूनिट होता है। और IgD बचा लास्ट में कौन सा बचा, IgD। तो IgD का कितना होता है मोलिकुलर वेट, याद रखिए 177 से 185 जो है आपका KDa यूनिट होता है, जिसको बोलते हैं 177,000 से लेकर के 185,000। ठीक है, इसमें से भी और भी बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक है, तो एक और है IgA। इसके बारे में पूछता है कि ये IgA जो होता है इसका सेक्रेशन कहाँ कहाँ से होता है, तो याद रखिए सेक्रेट कहाँ से, सेलिवा म्यूकस मिल्क एंड अदर एक्सटर्नल सेक्रेशन जो होता है वहाँ से जो है IgA का सेक्रेशन होता है। ये याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, और भी डिटेल्स जानकारी के लिए जो है इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे एंटीबॉडी के ऊपर, तो उसमें डिटेल्स सारा चीज़ बताएंगे। लेकिन ये जितना जो बताएं हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। इसमें से और एक चीज़ बता देता हूँ यहीं पे कि IgM जो होता है, ठीक है, IgM का फॉर्म या स्ट्रक्चर क्या होता है, तो याद रखिएगा ये पेंटामर होता है। क्या होता है, पेंटामर होता है। ठीक है, पेंटामर होता है। इसके बाद क्या है IgG, ठीक है, IgG क्या होता है, IgG मोनोमर होता है। क्या होता है, मोनोमर होता है। एक भी बहुत एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या है नंबर 3 में आपका IgA क्या होता है, तो 1,3-dimer होता है। ठीक है, 1,3-dimer होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है IgE क्या होता है, IgE जो होता है आपका मोनोमर होता है। और IgD ये भी क्या होता है, आपका मोनोमर होता है। ये क्या याद रखें, सिर्फ एक ही चीज़ ऐसा है जो IgM जिसका जो है मोलिकुलर वेट भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में पाया भी जाता है कितना, 13%, और वो होता है पेंटामर, मात्र ओनली वन जो है आपका एंटीबॉडी है जो पेंटामर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। क्वेश्चन डिटेल्स में बताते हैं इसलिए इतना थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप मत कीजिए। जितना आप लोग देखिएगा डिटेल्स में उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव है। कोनी बैक्टीरिया में डिप्थेरिया, ई कोलाई, क्लेबसिला, सुडोमोनास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया हुआ है कोनी बैक्टीरिया में डिप्थेरिया, यही इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, कोनी बैक्टीरिया डिप्थेरिया, बाद बाकी जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है सभी के सभी। ठीक है, अभी मैंने बताया था, इसमें से आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अभी इससे पहले जो वीडियो डाला था इसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो आपका कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऊपर में क्या पूछा गया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और यहाँ पे क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टाफेलोकोकस, न्यूमोकोकस, क्लोस्ट्रिडियम और एस्चेरिया कोलाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्चेरिया कोलाई है, ठीक है। इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बाद बाकी क्या है आपका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6। इसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो जिसके चलते वो क्या होता है, लोकोमोशन होता है, माने मूवमेंट करता है, स्पोर, फिमिडी, सिलिया या फ्लैजिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्लैजिला। ये किससे बना होता है, तो ये फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन नामक जो होता है प्रोटीन से ये बना होता है, किससे, फ्लैजिली, फ्लैजिलिन से, ठीक है, नामक प्रोटीन से ये फ्लैजिला बना होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। 7 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस फर्मेंट सुगर मैनिटोल, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेफाइलोकोकस है जो क्या करता है, फर्मेंट करता है किसका, सुगर मैनिटोल का। तो एस हार्मोनी, एस एल्बस, एस एपिडर्मस, एस ऑरियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया ही हुआ है आपका, एस ऑरियस। एस ऑरियस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बारे में और भी ये डिटेल्स यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आपको बता दूं कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है यह ग्राम पॉजिटिव है, और क्या है ये, किस तरह का बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको पता ही है। इसमें इसका कॉलोनी जो फॉर्मेशन करता है ये जो है इंडिस्ट मीडिया पर ग्रो करता है, जेट मीन्स ब्लड अगर पे ग्रो करता है, और इसका कॉलोनी जो फॉर्मेशन होता है तो वो किस कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है। किस तरह का होता है, गोल्डन कलर का होता है, ये याद रखिएगा। और भी इसका एक जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टेफेलोकोकस ऑरियस का ये कौन कौन सा एंजाइम जो है प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा, हायलुरोनिडेज होता है, एक होता है लैपेज होता है, एक न्यूक्लियेज होता है, एक होता है क्वागुलेज, ठीक है। ये चारों का चारों क्या है आपका, जो है एंजाइम जो है प्रोड्यूस करता है, कौन, स्टेफेलोकोकस ऑरियस जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद अल्फा हीमोलेसिन होता है, इसमें बीटा हीमोलेसिन भी होता है, गामा हीमोलेसिन होता है, ठीक है, ये सारा का सारा चीज होता है। इसके बाद जो होता है ये इसका बायोकेमिकल टेस्ट में जो होता है क्या 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 पॉजिटिव होता है, तो इसका जो होता है आपका कैटालेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद होता है इंडोल भी इंडोल पॉजिटिव में होता है, MR और VP ये जो है आपका पॉजिटिव होता है इसका, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इसका जो है स्टेफेलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट मेनली यूज करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफेलोकोकस जो है बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेस्ट करते हैं वो होता है कैटालेज टेस्ट, क्योंकि स्टेफेलोकोकस जो होता है ओरियस में जो होता है ये पॉजिटिव होता है, बट स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, कैटालेज जो होता है निगेटिव होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है याद रखिएगा एक्स्ट्रा चीज। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, कि क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से ऐसा बैक्टीरिया है जो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक का, ठीक है, का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको, बीटा हिमोलाइटिक जो करता है एस पायोजेंस, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। ये क्या करता है आपका, बीटा हिमोलाइटिक करता है। बीटा हिमोलाइटिक में होता क्या है, इसमें भी आपका अलग अलग ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बीटा हिमोलाइटिक में एस पायोजेंस होता है, एस एगलेक्टी होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ग्रुप सी एंड जी का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बट इसका जो राइट आंसर जो इसमें जो दिया हुआ है आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, याद रखिए यही इसका क्या है मेन पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज एंटेरिक फीवर, तो आप सभी लोग जानते हैं एस्टेफी, विब्रियो कोलेरा, ठीक है, यर्सिना पेस्टिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, साल्मोनेला टैफी जो होता है एंटेरिक फीवर कॉज करते हैं। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट विथ अ नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट जो होता है पॉजिटिव देता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम लेपेरी या एम सिमी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट जो है पॉजिटिव देता है। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव देता है, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सा टेस्ट पॉजिटिव, इसके अलावा जो है बायोकेमिकल टेस्ट में जो होता है और कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, तो याद रखिएगा नियासिन टेस्ट जो होता है पीएच पॉजिटिव होता है, कौन सा, नियासिन टेस्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, परऑक्सीडेज टेस्ट होता है पीटी, दैट मीन्स परऑक्सीडेज टेस्ट जो होता है पॉजिटिव होता है। इसके बाद क्या होता है, एमाइडेज टेस्ट होता है, ठीक है, एटीएमआईडेज टेस्ट भी पॉजिटिव होता है, और एक हो गया नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद होता है एराइल सल्फेट टेस्ट भी हम लोग करते हैं, किसके लिए, इसी के लिए माने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका ओनली जो होता है एराइल सल्फेट टेस्ट जो होता है ओनली एटैपिकल जो है माइकोबैक्टीरियम जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके बाद मंटू टेस्ट हो गया, ठीक है, मंटू टेस्ट भी हम लोग करते हैं, किसके लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ये ढेर सारा टेस्ट है जो हम लोग करते हैं, और यदि पूछ दिया जाए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो है आप कल्चर किस पे करते हैं, किस मीडिया पे, तो याद रखिएगा लॉरेंस जेनसन मीडियम पे करते हैं, जो कि जिसको हम लोग 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम लोग इनक्यूबेशन में रखते हैं। और इसका जो कॉलोनी विजिबल कितने दिन में होता है, याद रखिएगा इसका जो है कॉलोनी जो है विजिबल होता है 6 वीक्स में, कितना में, वैसे यदि एवरेज दिया जाए तो 2 to 3 वीक्स में जो है आपको कॉलोनी दिखने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 11 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट पी डाइमिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड यूज्ड, किस टेस्ट में जो है ये यूज करते हैं, कौन सा पी डाइमिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं, किस टेस्ट में, तो ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, इंडोल या डीएनएज टेस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो गया, दिया हुआ है इसमें इंडोल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं ये जो है टेस्ट यूज करते हैं, कौन सा पी, किस टेस्ट में यूज करते हैं, पी डाई मिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड जो है आपका एंडोल टेस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में दिया गया है द क्वागुलेज टेस्ट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट एस एपिडर्मिस फ्रॉम, सॉरी ये तो आपका आंसर ही हो गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग क्वागुलेज टेस्ट। बोला गया क्वागुलेज टेस्ट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही है। ठीक है, पहला में क्या पूछा गया कि क्वागुलेज टेस्ट इज यूज डिफ्रेंशिएट एस ओरियस एंड एस एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद है आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटेरोबैक्टीरिया टू डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है टू आइडेंटिफाई सुडोमोनस नाइजेरिया एंड विब्रियो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है आपका द क्वागुलेज टेस्ट इज यूज डिफ्रेंशिएट एस ओरियस एंड एस एपिडर्मिस। ठीक है, इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वागुलेज टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया कि विच पैरासाइट इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्रेवलर डायरिया। ट्रेवलर डायरिया का जो है कॉजेटिव एजेंट कौन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सिस्टोमेटा हेमेटोबियम, पैरागोनिमस वेस्टर्न मनी और फेसिकोला हेपेटिका या ऑप्शन नंबर 4 जियार्डिया लैम्बलिया। तो इसका सबसे इजी क्वेश्चन है जियार्डिया लैम्बलिया जो है यह क्या ट्रेवलर
डायरिया का कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द न्यूबर काउंटिंग चैम्बर। न्यूबर काउंटिंग चैम्बर से रिलेटेड जो है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द चैम्बर 9 mm² एंड डेप्थ इन 0.1 mm, द एरिया ऑफ 19 mm² डेप्थ ऑफ 0.2 mm, द एरिया ऑफ 5 mm² एंड डेप्थ 0.5, द एरिया ऑफ 1 mm² एंड डेप्थ 0.1। यदि आप लोग थ्योरी क्लास पढ़ेंगे उसमें सारा डिटेल्स में बताया था कि एक न्यूबर चैम्बर में कितने एरिए होते हैं और WBC के लिए कौन कौन सा एरिया यूज करते हैं, RBC के लिए कौन सा यूज करते हैं और प्लेटलेट के लिए कौन सा एरिया यूज करते हैं, सारा चीज़ बताया था मैंने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या होता है 9 mm² होता है और उसका डेप्थ जो होता है 0.1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है कि हाउ इज द ट्रू वैल्यू ऑफ टोटल काउंट कैलकुलेटेड। ट्रू वैल्यू हम लोग टोटल वैल्यू को टोटल WBC से कैसे हम काउंट करते हैं, तो टोटल RBC डिवाइड बाय 100 WBC, NRBC डिवाइड बाय 100 WBC, इसके बाद प्लेटलेट बाय 100 RBC, न्यूट्रोफिल इंटू लिम्फोसाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NRBC डिवाइड बाय 100 WBC। ठीक है, NRBC माने क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसके बाद क्या है, सॉरी नॉन न्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा NRBC में क्या होता है, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर आपका 16 में क्या पूछा गया है कि आज जो है हम 25 क्वेश्चन ही करा के छोड़ देंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, और तो इस बात बाकी जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, आज जो है 25 क्वेश्चन तक करा के छोड़ देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्टेंट्स ऑफ सीमेंट डाइल्यूटिंग फ्लूइड। जो सीमेंट डाइल्यूटिंग फ्लूइड रहता है उसमें क्या क्या रहता है, तो इसमें क्या दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl एंड आयोनाइज वाटर। टू में दिया है सोडियम क्लोराइड बफर्ड और फॉर्मालिन एंड बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन। तीन में क्या दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मालिन एंड डिस्टिल वाटर। चार में क्या दिया है, सोडियम क्लोराइड HCl एंड आयोनाइज वाटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मालिन एंड डिस्टिल वाटर होता है, किसमें, सीमेंट डाइल्यूटिंग फ्लूइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग LE सेल। LE सेल के रिगार्डिंग कौन सा जो है इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो 1 में जो दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं, दे अपीयर एज न्यूट्रोफिल्स कंटेनिंग ए लार्ज स्फेरिकल बॉडी इन इट्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोज माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइबोज है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड कौन कौन सा है, तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, यदि आप बायोकेमिस्ट्री का यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा बायोकेमिस्ट्री का देखिएगा। ठीक है, तब आपको उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो है मोनोसैकेराइड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आपका मोनोसैकेराइड, ठीक है, इससे क्वेश्चन बराबर आते हैं, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड कौन सा है, ओलिगोसैकेराइड कौन सा है, ये सारा का सारा पॉलीसैकेराइड कौन सा है, ये सारा का सारा क्वेश्चन आते हैं। तो मोनोसैकेराइड क्या क्या है, एक तो हो गया राइबोज, क्या है आपका राइबोज हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, गैलेक्टेज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब सारा का सारा क्या है मोनोसैकरोजी है। ठीक है, इथ्रोलोज हो गया, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, ये सारा का सारा क्या है मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, जिसमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड कंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कौन सा है? रेबुलोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज, ग्लूकोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन जो होता है इसका राइट आंसर है किसका? ओलिगोसेकेराइड का। तो ओलिगोसेकेराइड कौन कौन सा है याद रखिए, माल्टोज है, क्या है? माल्टोज है, ठीक है। इसके बाद लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये क्या है आपका? डाइसेकेराइड है, क्या है? डाइसेकेराइड। इसको हम लोग ओलिगोसेकेराइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, फिर तो ग्लाइकोजन यहाँ पे सो ही है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के रिगार्डिंग कौन सा जो है इसमें एग्जांपल सही है? ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं अमीनो एसिड डू नॉट हैव ए कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एन अमीनो ग्रुप, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेप्ट ग्लिसिन ग्लाइसिन ऑल अमीनो एसिड आर सिमेट्रिकल। चार में क्या दिया? अमीनो एसिड आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और चार नंबर ऑप्शन में क्या दिया? अमीनो एसिड ऑकरिंग इन प्रोटीन आर कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर द ट्यूबुलर फंक्शन ऑफ किडनी। ट्यूबुलर फंक्शन ऑफ किडनी मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, सेरम ऑस्मोलरिटी टेस्ट, सेरम बायकार्बोनेट टेस्ट या ब्लड गैस टेस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सेरम ऑस्मोलरिटी टेस्ट हम लोग करते हैं। किसके लिए? ट्यूबुलर फंक्शन ऑफ किडनी का चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ प्री हेपेटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक जॉन्डिस में इसमें से कौन सा ऐसा है जो टॉपिक है, पॉइंट है जो सही है? सेरम बिलोबिन एंड यूरिन यूरोबिलोनोजन विल बी हाई, यूरिन बाइल पिगमेंट विल इंक्रीज, यूरिन बाइल सॉल्ट विल इंक्रीज, डायरेक्ट बिलोबिन विल इंक्रीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सेरम बिलोबिन और यूरोबिलोनोजन इन यूरिन में जो होता है हाई होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में कौन सा पॉइंट इसमें से स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो सही है? प्रोथर्मिन टाइम 10 से 13 सेकंड का होता है, गलत है ये। सेरम टोटल बिलोबिन इज यूजुअली लेस देन 4 mg/dm, SGPT एंड SGOT लेस देन 100 IU एंड सेरम टोटल बिलोबिन जो होता है 4 से लेकर 8 mg/dl के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होता है इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव्ड लिपिड। इसमें से कौन सा ऐसा लिपिड है जो ड्राइव्ड लिपिड है? तो एस्टेरॉइड जो है ये क्या है? एक तरह का ड्राइव्ड लिपिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कार्डियक रिस्क इवेल्युएशन। इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कार्डियक रिस्क जो है इवेल्युएशन टेस्ट है? तो ब्लड शुगर, BLDL, सेरम क्रिएटिनिन या SHBD। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरम BLDL माने वेरी लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये 25 क्वेश्चन अटेंड हुआ, और बाद बाकी क्वेश्चन जो है जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 75 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहें यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड BML एग्जाम प्रिपरेशन चैनल, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।